अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एशियन कुकिंग। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल मटन ब्राउन कढ़ाई की रेसिपी दूंगी कि वो हम घर में किस तरह बना सकते हैं। उसके लिए मैंने ये हाफ के जी मटन लिया है। इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, राइट, और घी डालेंगे हम इसको उबलने के लिए रख देंगे, राइट। जब ये हमारा गोश्त गल जाएगा, हाफ डन हो जाएगा, तब हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो आप इसके इंग्रेडिएंट नोट डाउन करती जाइए, राइट। आज मेरे यहाँ दावत है इसलिए मैं आपको अलग से इंग्रेडिएंट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना है सब कुछ। ये हम इसको हिलाएंगे, थोड़ा सा हम इसमें घी भी डालेंगे, आप चाहें तो असली घी भी डाल सकती हैं। मैं इस वक्त इसमें जो है डालडा घी डालूंगी, और जब मैं लास्ट में इसको बना लूंगी तब मैं इसमें असली घी डालूंगी, राइट। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे और इस गोश्त को हम पकने के लिए रख देंगे, राइट। सॉल्ट मैं लास्ट में डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी जब तक कि हमारा गोश्त गल ना जाए, राइट। अच्छी तरह हम जब ये उबाल आ जाएगा मैं मटन को गलने के लिए रख दूंगी। उसके बाद मैं 4 से 5 टमाटर छील के, या बगैर छीले भी उसको पीस सकती हैं, बिल्कुल हमें उसको पेस्ट बनाना है, वो हम इसमें डालेंगे। और फिर हम इसके अंदर जनाब स्पाइसेस ऐड करेंगे, और इसमें दही भी जाएगी और क्रीम भी जाएगी, राइट। मैं आपको बाकी स्पाइसेस बता देती हूँ, फिर वक्त हम इसको बनने रखते हैं। हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गई, एक प्याज भी इसके अंदर मीडियम साइज़ की जाएगी। जब ये गोश्त हमारा गल जाएगा बाकी प्रोसेस हम तब करेंगे। अगर आपके पास कुकर हो तो आप कुकर में इस तरह गोश्त गला सकती हैं, राइट। मैं इसको रख दूँगी ताकि मेरा गोश्त गल जाए। देखें, जब तक हमारा गोश्त कट रहा है, पक रहा है, तब तक हम ये टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं। ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं, 1/2 kg के करीब हैं ये, क्योंकि मटन कढ़ाई के अंदर मसाला ज़्यादा होता है। इसको हम काट के और इसको हम ब्लेंडर में पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे, और फिर हम इसको अभी अपने गोश्त में शामिल कर देंगे ताकि हमारा गोश्त टमाटर के पानी में ही गल जाए अच्छी तरह, राइट। ये मैं सब टमाटर काट लूँगी, वो भी हम काट लेंगे, 40 से हमें करने की, तो हमें ये पीसना है, राइट। ब्राउन कढ़ाई हमेशा पिसे हुए टमाटर से बनती है। अगर आप इसको क्या कहते हैं, मोटे टमाटर डाल देंगे इसमें कटे हुए, तो फिर उनका छिलका वगैरह ये सब ग्रेवी आपकी ख़राब करेगा। अब 1/2 ग्लास पानी के अंदर हम इसका पेस्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं इसे गोश्त में शामिल करके दिखाऊंगी, राइट। देखिए, हमने 1/2 ग्लास में पानी ऐड कर दिया है, अब मैं इसे पीस के डालूँ, राइट। देखें, ये हमारा गोश्त अभी पक रहा है और ये तकरीबन गलने के करीब है। अब हम इसके अंदर ये टमाटो पेस्ट डाल देंगे अपना, और इसको इसके साथ गलाएंगे, राइट। जब ये हमारे गल जाएगा तब हम बाकी स्पाइसेस में ऐड करेंगे, राइट। देखें, ये हमारा गोश्त अब गल चुका है, इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, हम इसको भून लेंगे, और साथ के साथ हम इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। ये 1 teaspoon मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 teaspoon सॉल्ट है, और 1 teaspoon ही ब्लैक पेपर है जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, राइट। ये हम इसमें डाल देंगे और इसको खूब अच्छी तरह भूनेंगे, और भूनने के बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे। असली घी डालेंगे हम, क्योंकि हमने शुरू में बहुत कम घी डाला था, वो डालेंगे हम। हरी मिर्ची डालेंगे इसमें, और दही जाएगी, और घर की मैंने क्रीम निकाल के रखी है वलाई, जो दूध की होती है, वो भी इसमें जाएगा, राइट। अभी हम इसे मसालों का कच्चापन निकालने के लिए इसे ढक के पकने देंगे, राइट। देखें, हमारा गोश्त अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसके अंदर फिटी हुई दही डालेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून फिटी हुई दही, दही को लाजमी फेंट लीजिएगा, राइट। ये हम इसमें डालेंगे और इसको खूब अच्छी तरह भूनेंगे। साथ में हम इसके अंदर जनाब असली घी भी ऐड कर देंगे। ये मैंने असली घी निकाला हुआ है, देखें कितना अच्छा मेरा असली घी निकला हुआ है। ये मैं इसमें, ये भी मैंने घर में ही बनाया है, ये मैंने बलाई से निकाला है, जमा करती रहती हूँ बलाई, और उसका फिर मैं असली घी निकाल के रख देती हूँ, फिर मैं उनको अपने खानों में यूज़ करती हूँ, राइट। ये हम डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे, जब हमारा दही का पानी खुश्क हो जाएगा तब हम इसमें हरी मिर्चें,
गरम मसाला पिसा हुआ, अदरक जूलियन और ये से डाल के हम इसे गार्निश करेंगे और हम इसे निकाल लेंगे। राइट, देखें ये हमारी ब्राउन कढ़ाई है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे, ये घर की बादाई है जो मैंने निकाल के रखी थी, ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम सिर्फ दम पे रख देंगे बस। ये मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर बाकी सारे ये हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है ये हम इसमें डाल देंगे, और हरा धनिया, हरी मिर्चें ये भी हम इसमें डाल देंगे, और अदरक हम लास्ट में गार्निश के लिए उठा के रखेंगे, थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी जो है हम गार्निश करेंगे। राइट, ये हम डालने के बाद इसको दम पे रख देंगे बस। हमारी ये ब्राउन कढ़ाई, मटन ब्राउन कढ़ाई अब रेडी है। मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखिए ये हमारी मटन ब्राउन कढ़ाई अब रेडी है, ये अब हम खाने के लिए मैं इसको सर्व करने वाली हूँ। आप इसे अदरक के साथ गार्निश कीजिएगा, और चपाती और नान और साफ्तान के साथ बहुत बेहतरीन लगती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।